हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मार्स तक पर। तो फ्रेंड्स, आरआरसी ग्रुप डी साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची बोर्ड के कैंडिडेटों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी हम रांची बोर्ड के साइट प्रोफेशनल साइट पर है और यहाँ पर नोटिस दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस नोटिस में सेकंड डीवी के रिगार्डिंग में यहाँ पर नोटिस दिया गया है फ्रेंड्स। तो आइए, सेकंड डीवी का नोटिस यहाँ पर दे दिया गया, तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है फ्रेंड्स। तो आइए, सेकंड डीवी में देखते हैं कितने कैंडिडेटों को दिया गया और क्या क्या मेंशन किया। इससे पहले चैनल पर जो भी नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाइएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। तो ये रही फ्रेंड्स सेकंड डीवी के रिगार्डिंग जो नोटिस इन्होंने जारी किया है, और सेकंड डीवी में देखते हैं कितने कैंडिडेटों का यहाँ पर नाम अनाउंस हुआ है। तो जिन भी कैंडिडेटों का यहाँ पर नाम निकला, उन सभी भाइयों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। और यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिस ऑफ द चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर गार्डन रिच कोलकाता 700043 वेस्ट बंगाल। और यहाँ पर ईमेल दिया हुआ, डेटेड देख लीजिए फ्रेंड्स, आज 23/6/2023 का यहाँ पर डेट दिया हुआ है, मेंशन किया गया है। और आज के डेट में जस्ट अभी यहाँ पर ये चीज़ें पब्लिश की गई है। तो आइए फ्रेंड्स, पूरे नोटिस को देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, नोटिस टू कैंडिडेट कॉल्ड फॉर सेकंड स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन 15/7/2023 अगेंस्ट CN नंबर RRC 1/2019। और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, अप्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकेंड स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV ऑन 15/7/2023 एट BNR ऑडिटोरियम साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन रिच एट 10 आवर्स। यानी कि 15 जुलाई 2023 से यहाँ पर सेकेंड डीवी के रिगार्डिंग यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं एंड सब्सिक्वेंटली मेडिकल एग्जामिनेशन। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, इफ़ क्वालिफाइड इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज इनक्लोज्ड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं, द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर DV शुड ब्रिंग द फ्लोइंग इनक्लोजर डॉक्यूमेंट फ्रॉम Annexure 1, Annexure 2, Annexure 3A, Annexure 3, Annexure 3A, Annexure 4, Annexure 5A, Annexure 5B, Annexure 5C एंड Annexure 6 ड्यूली फिल्ड इन एंड साइन बाई कंपटेंट अथॉरिटी स्टाम्प एंड सील ऑफ द अथॉरिटी इशू द कैंडिडेट शुड बी क्लियर एंड प्रोमिनेंट केस ऑफ सर्टिफिकेट इशू ऑफलाइन। तो यहाँ तो फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं वो अपना देख लें, Annexure 1, Annexure 2, ये सारी जो एनेक्चर दिया है, तो ये एनेक्चर आप लोग कैरी करके लेकर जाइएगा। और यहाँ पर जो भी चीज़ें मेंशन की गई वो सारी चीज़ें आप लोग लेकर जाइएगा। द कैंडिडेट शुड कैरी 8 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ बोथ फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो 8 कॉपी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए आप लोगों को यहाँ पर कलर पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ लेकर जाना है। इसके बाद अगर आगे बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक नंबर में यहाँ मेंशन किया है कॉल लेटर फॉर ऑफ PET। तो जो PET का काउंटर पार्ट होगा उसको आप लोग फॉलो करके लीजिएगा। कॉल लेटर ऑफ CBT, जो CBT एग्जाम होगा तो उसका लेकर जाइएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो भी सर्टिफिकेट होगा वो चीज़ लेकर जाइएगा। कास्ट सर्टिफिकेट सबमिटेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन, जो कास्ट सर्टिफिकेट आपने मेंशन किया उसको लेकर जाइएगा। इसके बाद OBC सर्टिफिकेट इफ सबमिटेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन, तो इंक्लूडिंग OBC सर्टिफिकेट इशू विद इन वन फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर OBC सर्टिफिकेट आप लोग लेकर जाइएगा जो एक साल पुराना हो, इससे ज़्यादा पुराना आप लोग नहीं लेकर जा सकते हैं, तो एक साल पुराना ही लेकर जाइएगा। इसके बाद 6 नंबर में देख सकते हैं, आधार कार्ड और पैन कार्ड, एनी अदर फोटो आइडेंटिटी मेंशनड इन एप्लीकेशन फॉर्म, तो जो भी आइडेंटिटी प्रूफ होगा उसको आप लोग लेकर जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मेंशन किया है फ्रेंड्स, रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड अगेंस्ट CN नंबर RRC 1/2019, सेकेंड स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल्ड 15/7/2023 वेन्यू, देख सकते हैं BNR ऑडिटोरियम साउथ ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर गार्डन रिच यहाँ पर दिया गया है पूरा एड्रेस। रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे से यहाँ पर दिया गया है। अगर कैंडिडेट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, सब अपना रोल नंबर मिला लीजिएगा, और इसको मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ दे दूंगा, वहाँ से आप लोग लिंक से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्टेड हुए हैं उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। तो होपफुली फ्रेंड्स की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।